माधव भैया सोच समझ के फैसला करना। चित्रा भाभी आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ हाँ माधव भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस एक बार मेरी बात को यकीन कर ले माधव, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बड़ी माँ आप तो मेरे यकीन कीजिए ना, आप माधव को समझाइए ना कि मैं ही वैद्य हूँ। आपको याद है आपने मुझे छल्ला दिया था, बोलिए ना बड़ी माँ। संग्राम भैया आपको तो पता है ना मैं वैद्य हूँ। रानी दीदी जीजा जी मैं वैद्य हूँ, आपको तो पता है ना, आपको पता है ना, बोलिए ना रानी दीदी कुछ तो बोलिए, मैं आपकी वैद्य हूँ, बोलिए ना। ये क्या हो रहा है, कोई मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। अनुराधा भाभी सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, आपको तो पता है ना कि मैं वैद्य हूँ। हाँ वैद्य, मेरा दिल जानता है कि तू ही वैद्य है। माधव ये सही कह रही है, यही वैद्य है, ये चित्रा है। माधव सोच क्या रहा है, उठा त्रिशूल और मार दे चित्रा को। हाँ भैया माँ सही कह रही, मारिए ना उसे। हाँ भैया भैया मार दीजिए। मार दो साले साहब, मार दो। माधव भैया एक तरीका है, तरीका? मैं आपकी दुविधा समझती हूँ, इसलिए एक तरीका है जिससे साफ हो जाएगा कि चित्रा भाभी कौन है और वैद्य ही कौन है। कौन सा तरीका? इन दोनों को एक साथ मंदिर में प्रवेश करना होगा। मंदिर की पवित्र चौखट कोई भी प्रेतात्मा पार नहीं कर सकती। और मुझे पूरा यकीन है कि इस मंदिर की पवित्र हवाएं चित्रा भाभी की हैवानी शक्तियों को जला देंगी। और वैदेही यानी सीता को तो हर युग में अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। अनुराधा क्या रामलीला चल रही है? अनुराधा अपना मुंह बंद रखो, मैं बोल देता हूं तुम्हें। संग्राम मैं तैयार हूं। माधव के लिए मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। Thank you.
ठीक है, वही सही रहेगा। माधव, अगर ऐसी बात है तो मैं मंदिर में पहले अंदर जाऊंगी, क्योंकि चित्रा कुछ भी कर सकती है। We'll be right back.
माधव, माधव, देख, देख ये जल रही है, यही असली चित्रा है। सोच क्या रहा है, उठा त्रिशूल और मार दे इसे। माधव भैया मत सोचो, यही है चित्रा, मार दो। नहीं माधव भैया, नहीं नहीं माधव। चित्रा दीदी है, तुझे पता है गरीमा ने चित्रा दीदी को मारा है। मोटर झूठ बोल रही है माधव। हाँ भैया यही चित्रा है, मार दीजिए भैया इसे। वैदेही, 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 वैदेही उठ ना। वैदेही मुझे पता है तू मुझे मजाक कर रही है। वैदेही प्लीज मुझे मत डरा, प्लीज उठ ना वैदेही। तुझे मुझे डांटना है मुझे डांट ले, मुझसे लड़ना है मुझसे लड़ ले, यहाँ तक कि मुझे थप्पड़ मार रहे, लेकिन उठ ना प्लीज वैदेही, वैदेही प्लीज उठ ना वैदेही। वैदेही अगर आज तू नहीं उठी ना, मेरे इस दुनिया की हर चीज से विश्वास उठ जाएगा, प्यार, परिवार,
भगवान, यहाँ तक कि मेरा अपने आप से विश्वास उठ जाएगा। अगर तुझे मुझसे कुछ शिकायत है तो मुझे सजा देना। ऐसे कैसे कर सकता हूँ? जिसने मुझे जीना सिखाया, मैं उस लड़की की जान कैसे ले सकता? वो भी अपने हाथों से। वैदेही, ऐसा नहीं हो सकता। वैदेही, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वैदेही, तू मेरी अर्धांगिनी है, तू मेरी जान है, तू मेरी रूह है। अगर ये जान ही नहीं बचेगी तो ये बेजान शरीर क्या करेगा? वैदेही, जन्म में ना सही, कोई और जन्म में ही सही। अगर तू नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आ रहा हूं वैदेही। रुक जाइए माधव, आपने कुछ गलत नहीं किया है। मैं हूं आपकी अर्धांगिनी माधव, आपकी चित्रा, वो चित्रा जिसने जीते जी और मरने के बाद भी जिसका एक ही सपना रहा है आपके साथ होने का। माधव, जन्म जन्मांतर के साथ ही मैं हूं आपकी माधव, ये वैदेही नहीं। ये तो हमारे बीच वो अर्चन थी जिसे अभी अभी अपने हाथों से आपने खत्म कर दिया है। ये नहीं उठेगी माधव, और ना ही कभी लौट कर आएगी। मर चुकी है वैदेही। मैं हूं आपकी अर्धांगिनी माधव। कौन हो तुम? मैं माधव, आपकी चित्रा। बस! मैं नहीं जानता तुम्हें, और बार बार मेरी चित्रा का नाम लेना ना बंद करो। जिस चित्रा की तुम बात कर रही हो ना, वो सबसे सिर्फ प्यार करना जानती थी, लोगों की जान लेना नहीं। सिर्फ दुख और तकलीफ ही दी है तुमने सबको आज तक। और मुझे पाने के जुनून में मेरा ही सब कुछ छीन लिया तुमने मुझसे। मुझे लग रहा था वैदेही को अपना कर कहीं ना कहीं मैं तुम्हें वापस हासिल कर लूंगा, पर मैं गलत था। तुम जो मेरे सामने खड़ी हो ना, वो कभी वैदेही हो ही नहीं सकती। इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों, किस लिए? मुझे पाने के चक्कर में आज तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो चुकी हो। तुम मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाना चाहती थी, लेकिन अब उससे ही पहले वैदेही मुझे अपनी दुनिया में लेके चली जाएगी। मोहब्बत करती हो ना तुम मुझसे? नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत करता हूं मैं अपने आप से, और नफरत करता हूं मैं इस जहां से, इस जन्म में ना से, अगले जन्म में से, इस दुनिया में ना से, दूसरी दुनिया में से। माधव और वैदेही का मिलन होने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही तुम्हारी मोहब्बत और ना ही तुम्हारी नफरत।